हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेशन के दौरान जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको ग्लाइकोलिसिस साइकिल और एच एम पी शंट के माध्यम से पढ़ा आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट के रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट रेस्पिरेशन है क्या चीज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में है उसका ब्रेकडाउन होकर के जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं द मेन फूड यूज बाय सेल्स फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज बनता है उस फूड मटेरियल को ही रेस्पिरेशन में काम में लिया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन एनिमल प्लांट्स एंड ई सेल्स कैन कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशंस प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तब हमने बताया था कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर दो तरीके का हो सकता है एरोबिक या एन एरोबिक रेस्पिरेशन लेकिन जो हमारे ज़्यादातर एनिमल और प्लांट्स हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन क्या चीज़ है सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं बहुत सारी रिएक्शंस हैं दैट अकर प्राइमरीली विद इन द माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल जो प्लांट सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती हैं रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स ऑक्सीजन एंड शुगर्स जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी तो रेस्पिरेशन बहुत सारी रिएक्शन की एक सीरीज है बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और शुगर इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के अंदर तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है बहुत सारी जो रिएक्शंस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं यंगर टिश्यूज़ हैज़ अ हायर रेस्पिरेशन रेट देन द ओल्डर टिश्यू सो दैट द रूट टिप एंड यंग लीव्स हैव हायर रेस्पिरीशन रेट्स देन द ओल्डर रूट सेगमेंट्स एंड लीव्स जो भी प्लांट्स के यंग पार्ट्स हैं जहाँ पर कि डिविजन हो रहा होता है वहाँ पर रेस्पिरीशन की रेट कंपेरेटिवली ओल्डर पार्ट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है वेन अ सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब्स वाटर द रेस्परेशन रेट ऑफ सेल्स राइज रेपिडली क्योंकि जैसे ही कोई सीड एम्बीशन की से की प्रक्रिया से पानी को एब्जॉर्व कर लेता है इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तभी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है इन एडिशन टू द टाइप ऑफ प्लांट सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट अ प्लांट सेल रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारे सेल का टाइप कौन सा है और सेल की जो सेल्स हैं यंगर वंस हैं या ओल्डर हैं मैरिस्मेटिक सेल्स हैं या सिंपल सेल्स हैं इस तरीके के अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाह्य कारक होते हैं जो कि हमारे प्लांट की रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन द एट एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर एटमोसफेयर का जो ऑक्सीजन कंटेंट है ऑक्सीजन की मात्रा क्या है वो हमारे रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करती है दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे रेस्पिरेशन में इफ़ेक्ट ऑफ लाइट साथ ही साथ लाइट और वाटर कंटेंट का भी हम प्लांट सेल के रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट है इफ़ेक्ट ऑफ रेस्पायरेबल मटीरियल अब जो मटीरियल एक सब्सट्रेट uh, के रूप में काम में लिया जा रहा है रेस्पिरेशन में उस पर भी डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन की रेट क्या होगी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशंस साथ ही साथ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो हमारे रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं इन सभी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नंबर वन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमोस्फेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बट रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर हाउ एवर कॉजेज नो सिग्निफिकेंट लोवरिंग इन द रेस्पिरेटरी रेट अनटिल द परसेंटेज ड्रॉप्स टू अबाउट टेन परसेंट हमारे जो प्लांट्स हैं जिस एटमोसफेयर में ग्रो कर रहे हैं उस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब ज़रूर जैसे टेन परसेंट से भी कम हो जाए तब ज़रूर ये हमारे प्लांट्स की रेट के जो रेस्पिरीशन को है अफेक्ट करती है एट फाइव परसेंट ऑक्सीजन डिफाइन रिटार्डेशन ऑफ द रेस्पिरेशन अकर्स अगर एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा फाइव परसेंट से भी कम हो जाए तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन uh, की रेट कम हो जाती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दूसरा मेजर फैक्टर जो हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर या तापमान लाइक मोस्ट केमिकल रिएक्शंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर से उसके रेट पे अफेक्ट पड़ता है तो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो ये सभी रिएक्शंस टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं डिफरेंट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स मे शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन रिगार्ड टू ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेस्पिरेशन अब जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है द इंक्रीज इन टेम्परेचर एनहांसेज द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे जो रिएक्शंस uh, हैं वो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी ज़्यादा हो जाती है इट इज़ ड्यू टू द हीट स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन मीन्स द कानेटिक एनर्जी इज़ हायर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी इसीलिए रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस हैं उन वो भी स्पीड अप हो जाएंगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है एट टेम्परेचर्स हायर देन द ऑप्टिमम लेकिन ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाएं तो रेस्पिरेशन की रेट गिरना शुरू हो जाती है बिकॉज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉल्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ रेस्पायरेबल मटीरियल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाए तो रेस्पायरेबल जो मटीरियल है ग्लूकोज है उसका इंटरकन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है और रेस्पिरेशन की रेट गिर जाती है एट वेरी हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉल्स सिग्निफिकेंटली एंड मे इवन कम टू स्टैंड still बिकॉज ऑफ़ protoplasmic इंजरीज और अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो protoplasmic इंजरीज भी हो जाती हैं साथ ही साथ जो एन्ज़ाइम्स हमारी रिएक्शंस को catalyze करने का काम कर रहे हैं वो भी डी नेचर्ड हो जाते हैं और रेस्पीरेशन की रेट कम हो जाती है वेन टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी सेलुलर प्रोसेस स्लो और अगर हम जनरल बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर में अगर प्रोसेस हो रहा है और उस टेम्परेचर को अगर धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट भी डिक्रीज होती है ये ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि अगर हम टेम्परेचर को ये फॉरन में है टेम्परेचर धीरे धीरे अगर हम बढ़ाएं तो रेस्पिरेशन की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो टेम ये हमारे टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो हमारे रेस्पिरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी इफेक्ट ऑफ लाइट थर्ड फैक्टर जो हमारे रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करता है दैट इज़ लाइट लाइट हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरीशन लाइट का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी द टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग एटमोसफेयर ऑल्सो इंक्रीजिज दस अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरीशन जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमोसफेयर का टेम्परेचर भी बढ़ता है इसीलिए इन डायरेक्ट वे में लाइट क्या है टेम्परेचर को बढ़ा रही है और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ रही है तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में लाइट जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ती है सेकेंडली द क्वांटिटी ऑफ रेस्पायरेबल मटीरियल इन द प्लांट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाई द राइट लाइट जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो लाइट से डायरेक्ट इफेक्ट करती है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण या फोटो सिंथैसिस होता है अब अगर लाइट ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा लाइट होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी और प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी तो ग्लूकोज का भी अधिक निर्माण होगा यही ग्लूकोज मटेरियल को हम रेस्पिरेशन में काम में ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारे रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ती है क्योंकि फोटो बढ़ता है और ग्लूकोज का निर्माण अधिक होता है एंड थर्डली टोमेटा रिमेंस ओपन ड्यूरिंग डे लाइट एंड हैंस रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू दैम और जब लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा हमारे ओपन रहते हैं तब क्योंकि टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है लाइट पर और जब हमारे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैशियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है इसी लिए रेस्पिरेशन की जो रेट है हमारे लाइट से इनडायरेक्ट रूप में अफेक्ट होती है चौथा कारण है वाटर कंटेंट ओवर अ सर्टन रेंज वाटर कंटेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे प्लांट सेल के अंदर पानी की अगर मात्रा अधिक होगी जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ेगी बट ओवर अ सर्टन रेंज इन मोस्ट ऑफ द स्टोरेज Storageable seeds, the moisture content is kept below the point which allow a rapid respiration. Uh, जब हम किसी भी uh, जो crop है या seeds हैं उनको store करके रखते हैं तो हम हमने observe किया है कि तो बिल्कुल dry condition में किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं किसी भी सीड्स को अगर जरा सा भी मॉइस्चर आता है जो सीड्स uh, हैं वो पानी को absorb कर लेते हैं और उनके अंदर respiration स्टार्ट हो जाता है राइट right? तो अगर किसी भी सीट के अंदर पानी की मात्रा कम है सीट्स ड्राई हैं तो वहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होगा मीन्स वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता है रेस्पिरेशन की रेट भी वैसे वैसे इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लाइकली टू गो अप विद द रिजल्ट अ रैपिड लॉस ऑफ वायबिलिटी विल अकर एट द सेम टाइम द टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज एंड ग्रेन में भी स्पॉइल्ड तो जो स्टोरेज सीड्स हैं अगर उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाए पानी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ती है तो जो सीड्स हैं जो स्टोर करके रखे हुए हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा वो जो सीड ग्रेन्स हैं वो स्पॉयल होने की संभावना होती है तो जब किसी भी सीड्स को अगर हमें स्टोर करके रखना होता है तो हम उसे ड्राई फॉर्म में रखते हैं इसी तरीके से इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जब वाटर कंटेंट बढ़ता है जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट भी इंक्रीज़ होती है ये देखिए ग्राफ के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वाटर की जो मात्रा है मॉइस्चर जो कंटेंट है उसके इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे रेस्पिरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मॉइस्चर कंटेंट के रेट ऑफ रेस्पिरेशन फिफ्थ फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेस्पायरेबल मटीरियल अब कौन सा रेस्पायरेबल मटीरियल यूज़ किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन की रेट क्या होगी अमाउंट एंड काइंड ऑफ रेस्पायरेबल मटीरियल प्रेजेंट इन द सेल्स ग्रेटली इफेक्ट द रेट एंड कोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पायरेबल मटीरियल uh, काम में आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड uh, करता है कि रेस्पिरेशन की रेट कितनी कम या कितनी ज़्यादा होगी इट हैज़ बिन शोन दैट प्लांट्स रिस्पायर मोर रेपिडली आफ्टर हैविंग बीन एक्सपोज टू कंडीशंस फेवरेबल फॉर फोटो सिंथेसिस डेफिनेटली प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज है ज़्यादातर वही रेस्पिरेशन में एक सब्सटेट uh, के रूप में काम में लिया जाता है तो जो फैक्टर्स हमारे फोटो सिंथेसिस के रेट को बढ़ाते हैं वो सारे फैक्टर्स ही हमारे रेस्पिरेशन की रेट को भी बढ़ाते हैं ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को ही ब्रेक डाउन करके एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान इंक्रीज़ इन रेस्पिरेशन हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन सोल्यूबल शुगर्स तो जैसे जैसे सोल्यूबल जो शुगर है उसकी मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट में भी वृद्धि होती है सिक्स्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। वैसे तो रेस्पिरेशन का जो बायप्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मींस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है सो so, the rate of respiration is normally not affected by increase of carbon dioxide concentration in the surrounding atmosphere. और अगर carbon dioxide की मात्रा surrounding atmosphere में बढ़ती है, तो वो हमारे respiration की rate को बढ़ाती नहीं है। क्योंकि carbon dioxide is one of the waste product of the respiration equation, also affect respiration. तो carbon dioxide की जो मात्रा है, वो अगर बाहर बढ़ जाती है या कम होती है तो उसका हमारे रेस्पिरेशन की रेट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि रेस्पिरेशन की इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द लोअर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो रेस्पिरेशन की रेट स्लो हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्रोडक्ट है हमारे रेस्पिरेशन का और अगर उसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगी प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशंस इन पर भी डिपेंड करता है कि प्रकाश ये हमारे रेस्पिरेशन की रेट कम होगी या ज्यादा होगी द यंग ग्रोइंग टिश्यूज विच हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंपेयर टू ओल्डर टिश्यूज शो हायर रेट ऑफ रेस्पिरीशन जो हमारे यंग टिश्यूज़ हैं रूट टिप है शूट टिप है, है या यंग लीव्स हैं वहाँ पर जो सेल्स हैं जो मैरिस्टमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा होती है इसीलिए वहाँ पर जो रेस्पिरीशन है ऐसे सेल्स में भी ज़्यादा होता है देआर हायर रेट ऑफ रेस्पिरीशन सपोर्ट द मैरिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स बाय सप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यंग सेल्स हैं वहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है और वहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होने से एनर्जी का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मैरिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल अफेक्ट द रेट इसी तरीके से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर हाइड्रेशन कितना है वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे रेस्पिरेशन की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होती है द मैकेनिकल इंजरी और डैमेज टू प्लांट टिश्यूज़ विल एक्सेलरेट रेस्पिरेशन इसी तरीके से जब कभी कभी पौधों में कोई मैकेनिकल इंजरी होती है या कोई डैमेज होता है उस दौरान भी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है अदर फैक्टर्स इन सभी फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट्स के रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं लाइक वेरियस केमिकल्स सच as साइनाइड्स एंड फ्लोराइड्स हैव been रिपोर्टेड टू possess रेस्पिरेशन रिटार्डिंग प्रॉपर्टीज थ्रू देयर इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो आ, कुछ केमिकल सब्सटेंस है जैसे कि साइनाइड या फ्लोराइड इनका रिटार्डिंग इफेक्ट होता है मैं इसी हमारे रेस्पिरेशन की रेट को कम करती हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी जो एनजाइम है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरीशन बहुत सारे एनजाइम्स की एक आ, बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस की एक सीरीज़ है और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज होती हैं तो ये साइनाइड्स और फ्लोराइड्स हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को डी कर देते हैं इसकी वजह से रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाती है रेस्पिरेशन में रेट में लाइकली बी एक्सिलेटेड बाय लो कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक इथाइलिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफॉर्म एंड ईथर इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर बहुत कम अमाउंट में हो जैसे कि इथाइलिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफॉम और ईथर तो ये हमारे रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाते हैं क्लोराइड्स ऑफ वेरियस मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हैव प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसी तरीके से जो ये हमारे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आदि हैं इनके क्लोराइड्स का भी हमारे रेस्पिरेशन की रेट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है मोनोवेलेंट कोलाइ जो क्लोराइड्स हैं लाइक पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये हमारे रेस्पिरेशन की या श्वसन की दर को बढ़ाने का काम करते हैं वाई द डाईवेलेंट लेकिन जो डाएवलेंट क्लोराइड्स हैं सच एज़ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ग्रेटली डिक्रीज इट ये हमारे रेस्पिरीशन की दर को या श्वसन की दर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं स्टीवाड एंड प्रेस्टन नाइनटीन फोटी वन फाउंड कैटायंस टू डिप्रेस रेस्पिरीशन एंड फोटो सिंथेसिस ये स्टीवाड और प्रेस्टन ने कहा था कि रेस्पिरीशन और फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस को हमारे कैटायंस उनकी दर को कम करने का काम करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन की जो रेट है श्वसन की जो दर है उसको कम या अधिक करते हैं सो so, अभी हमने रेस्पिरेशन के कुछ फैक्टर्स देखे जो कि हमारे श्वसन की दर या रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं इनमें से कुछ फैक्टर्स इंटरनल थे और कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स में था द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इट्स स्टेट ऑफ एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट कितना है जिन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा है और एक्टिविटी की स्टेट कौन सी है मीन्स मेरिस्टमेटिक सेल्स है यंग सेल्स के अंदर है तो उनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा इसी तरीके से जो दूसरा इंटरनल फैक्टर हमने देखा था वो था सब्सरेट जो रेस्पिरेट्री सब्सरेट है उसकी अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी उसी तरीके से थर्ड हमने जो इंटरनल फैक्टर देखा था वुंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्टिम्यूलियर्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर कोई मैकेनिकल इंजरी होती है कोई डैमेज होता है प्लांट को तो ये भी रेस्पिरेशन या श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं आ, अगर हमारे प्लांट में बढ़े चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नली जैसे कि साइनाइड्स हैं ये हमारे जो रेस्पिरेशन की रेट को कम कर देते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज़ विद डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इसी तरीके से जो वाटर है वाटर का जो वाटर कंटेंट है हाइड्रेशन है वो हमारे रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट करते हैं जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है हमारी रेस्पिरेशन की दर भी बढ़ती है इसी तरीके से लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे जो प्लांट्स हैं उसके रेस्पिरेशन पर इफेक्ट पड़ता है लाइट इनडायरेक्ट रूप में हमारे रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करती है क्योंकि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट के रूप में काम में लिए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ही बनते हैं और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है हमारे लाइट से इसी तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर रेस्पिरेशन की जो रेट है वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर सपोज थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अगर तो उसके बाद हम और ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये हमारे रेस्पिरेशन की रेट को डिक्रीज़ करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज़ करने का काम करते हैं हमारे एंजाइम्स वो डी हो जाते हैं When sufficient अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल द रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी ऑप्टिमम इसी तरीके से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगी ऑक्सीजन की जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ती है इसी तरीके से हमारा अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें उसके अंदर वाटर टू सॉल्ट सॉल्यूशन अगर सॉल्ट सॉल्यूशन का में लिया जाए तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट इससे भी बढ़ती है सो so, ये कुछ फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो हमारे पौधों की श्वसन की दर या रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट कर रहे थे सो so, स्टूडेंट्स आज हमने बात की उन फैक्टर्स या उन कारकों के बारे में जो हमारे प्लांट्स के रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं It is all about today's lecture. Thank you.